अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मतलब कुछ स्टूडेंट यूनियंस तो कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका कारण ये कि स्टूडेंट्स का जो एक्टिविज्म का जो मकसद है वो एक न्यू लिबरल क्या है रोमांटिसिज्म से ऊपर उठ करके एक समाज बदलने का मकसद तक पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब ये एक स्थिति है। इसके अगर न्यू लिबरलिज्म के अलावा अगर स्टूडेंट यूनियंस का भी लीडरशिप में ये भी एक सेल्फ क्रिटिसिज्म है। लीडरशिप में भी जो मिडिल क्लास या अपर कास्ट ये हेजिमनी हमें देख सकता है तो इसका रिफ्लेक्शन तो आ ही जा रहा है। ये एक रियलिटी है। इसको बदलने के लिए हमें जड़ रूप में हमें काम करके हमें ये बदल सकता है। और अगर वर्णा सिस्टम का हो, जाति व्यवस्था का हो, फासीवाद का हो या न्यू लिबरलिज्म का हो, ये जितने बातें या क्लास कास्ट सोशल इकोनॉमिक ये जितने बातें हैं ये आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे साथी ने कहा था पहले, तो ये इंटरलिंक को समझने के टाइम पे मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। इसको हम इंटीग्रेटेड तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि मास मूवमेंट के अंदर हमें, जैसे हम एक कॉमेंट ने बोला था कि जो वर्किंग क्लास है, जो सफाई कर्मचारी मतलब जो दलित होता है, मतलब एक सफाई कर्मचारी जो है वो दलित ही है। ये इसका कारण ये है कि हमारे वर्णा सिस्टम हमारे इतिहास का क्लास का एक फॉर्म था, क्लास सिस्टम का एक फॉर्म था वर्णा स्ट्रगल। वो हमारे क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल ऐसे जुड़ा होता है कि वो शुरू किया वर्णा स्ट्रगल से और फिर वो बदल के मतलब स्ट्रैटा बन करके कास्ट सिस्टम बन गया। और लेकिन ब्रिटिश लोग आने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ, उसी तरह वो रह गया। और उसके बाद जब नियो कॉलोनियल फोर्सेस आ गया इंडिया में, फिर भी वो उसी तरह से मतलब जो सदियों 2000 साल पुराने जो सिस्टम है और उसका सोच, इसलिए वो मूल का और ऊपरी ढांचा का विषय है। और ये दोनों व्यवस्था को बदलने के लिए हम अगर इसका रिफ्लेक्शन हम एजुकेशन सिस्टम में नहीं देखेगा तो वो उसको हम सोल्व नहीं कर पाए। लेकिन उसके लिए हम ऐसे मतलब हम एक रिप्रेजेंटेशन बदलने से वो नहीं होगा। उसके अलावा हम मासेस के बीच में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उससे हम अनुरोध करना पड़ेगा कि हमारे अलग अलग इश्यूज पे हमारा स्टैंड क्या है और हम कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका जिम्मेवारी कैसे रहेगा। और वो जैसे मान लो कि EWS क्वेश्चन आ गया, हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, इसमें सवाल ये आएगा कि इसको लेके ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड क्या है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्टैंड है। तो कुछ लोग